प्रिय स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे उपनिवेशवाद की कुछ मुख्य परिभाषाएं। नंबर एक है वेबस्टर शब्दकोश। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार उपनिवेशवाद उन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीतियों का नाम है जिन पर चलकर कोई साम्राज्यवादी शक्ति दूसरे क्षेत्र में अथवा लोगों तक अपना नियंत्रण बनाए रखना अथवा उस पर विस्तार करना चाहती है। नंबर दो है जे एस होब्स के अनुसार उपनिवेशवाद राष्ट्रीयता का प्राकृतिक बहाव है। इसका परीक्षण प्रतिनिधि संस्कृति को नए प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण में जिनमें वे अपने आप को पाते हैं आरोपित करने की औपनिवेशिक शक्ति से किया जा सकता है। और नंबर तीन है ऑर्गेंस्की के अनुसार उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेश कहेंगे जो एक विदेशी सत्ता द्वारा शासित है तथा जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें उपनिवेशवाद कहा जाता है। ये परिभाषा ऑर्गेंस्की ने दी है। थैंक यू।